वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर। चैनल को जिससे भी सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, अभी कर लो। बिग बॉस सीजन जो बिग बॉस ओटीटी के सीजन 2 जो आने वाले हैं, उससे सभी रिव्यू अपडेट्स और जितने भी वोटिंग अपडेट सभी मैं आपको देने वाला हूँ। और मैंने तो सही वोटिंग लाइनअप, वोटिंग ट्रेंड भी बताया। बिग बॉस 15 का भी मैंने सही वोटिंग ट्रेंड बताया था। लॉकअप का भी सही बताया। आप लोग चैनल में विजिट करके चेक कर सकते हैं। तो इस बार भी वोटिंग ट्रेंड आप लोगों को सबसे पहला लाने वाला मैं हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों को अभी मैं बताने वाला कि कौन से कंटेस्टेंट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंटेस्टेंट्स के नाम जो सामने आ रहे हैं, मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को झूठ नहीं बोलता हूँ कि ये आ रहा है वो आ रहा है, ऐसा नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि कंफर्म नहीं है, बट कुछ नाम ऐसे है कि जो बिग बॉस के जो मेकर्स हैं इन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं सामने से। पहला नाम है अनुष्का सेन का नाम है, और अनुष्का सेन मुझे लगता है कि आ सकती है। उसका नाम पिछले 2 साल से चल रहा है। आफ्टर जब अनुष्का सेन ने बिग बॉस किया उसके बाद से उसका नाम चल रहा है। तो अनुष्का सेन का नाम है, जैद दरबार का नाम है। जैद दरबार हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से गौहर खान का शादी होने के बाद जैद दरबार के साथ, फिर जैद दरबार को कोई पहचानता नहीं, ऐसा सीन हो गया, बस गौहर खान का हस्बैंड के नाम से रह गया। तो ऐसा लग रहा है कि शायद से जैद दरबार और गौहर खान दोनों एज अ कपल ड्यू आने वाले शो में एंटर करने वाले, और गौहर खान बीच में निकल जाएगी। मुझे भी ऐसा लग रहा है गौहर खान एज ए गेस्ट आ सकती है और जैद दरबार एज ए कंटेस्टेंट आ सकता है। तो दोनों का नाम तेजी से आ रहा है कि बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में प्रवेश होने वाले, और मुझे लगता है कि जैद दरबार का हो सकता है, क्योंकि सच बताऊं तो जैद दरबार के पास अभी कोई ज़्यादा काम दिख नहीं रहा है। कुछ म्यूजिक वीडियोज भी कर रहे हैं, तो शायद से अपना नाम बनाने के लिए जैद दरबार आ सकता है। और एक और नाम जो है मुनव्वर फारूकी का आ रहा है। मुनव्वर फारूकी का नाम तो पहले से आ रहा था, खतरों के खिलाड़ी में आ रहा, वो तो कंफर्म हो चुका है वहाँ पे। अब बिग बॉस के जो सीजन ओटीटी के जो सीजन नंबर 2 में आ रहा है, बट यहाँ पे मुनव्वर का नाम आ रहा है, बिग बॉस अप्रोच कर रहा है, बट ये मैं कंफर्म नहीं जा सकता कि वो ओटीटी के लिए आ रहा है या फिर डायरेक्ट बिग बॉस 16 के लिए आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता मुनव्वर अभी इतना बड़ा लॉकअप शो करने के बाद डायरेक्ट ओटीटी में आ जाएगा, वो भी खतरों के खिलाड़ी के बाद डायरेक्ट ओटीटी में आ जाएगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ओटीटी में आएगा। तो अगर मुनव्वर का नाम आ रहा है सामने से, तो वो होगा बिग बॉस 16 के लिए, ठीक है। और एक है बासिर अली का नाम आ रहा है, और इसका नाम मुझे भी कहीं हद तक कंफर्म लग रहा है, क्योंकि इसका नाम बहुत पहले से आ रहा था, बासिर अली को अप्रोच किया, तो बासिर अली का नाम मुझे कंफर्म लग रहा है। और एक नाम है आवेश दरबार वही है जो जैद दरबार गौहर खान का हस्बैंड जो इसका भाई है। तो यहाँ पे बस जो इनका आवेश दरबार का नाम आ रहा है, तो अगर जैद दरबार नहीं तो आवेश दरबार हो सकता है। और एक और नाम आ रहा जो है केविन अलमसिफर वो है कि जो स्पेस फिल्म में हमने उनको देखा, रोडीज में भी देखा उनको, तो इनका भी काफी तेजी से नाम आ रहा है शिवम शर्मा के साथ। शिवम शर्मा को अगर लॉकअप में मिला चांस, तो केविन अलमसिफर जरूर बिग बॉस में एक मौका आजमाने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि अभी इनको भी पता कि बिग बॉस थोड़ा बड़ा हाथ है। तो अगर शिवम वहाँ पर, शिवम उसका एकदम राइवल है, केविन का राइवल है शिवम, तो अगर शिवम को लॉकअप मिला है तो केविन जरूर उसके लिए बिग बॉस पर जाएगा। तो देखते हैं कि क्या है, जो भी नाम कंफर्म होगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो ये फिलहाल ये सब लिस्ट सामने आ रहे, तो आप लोगों को बाकी लिस्ट के नाम भी मैं आपको जल्द से जल्द बता दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।